तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक स्टूडेंट संडे को कैसे टाइम बिताता है, ठीक है, उसका टाइम कैसे स्पेंड होता है संडे को, चलिए वो देखते हैं। इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको भी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो और मैं भी स्टूडेंट हूँ। चलो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्त फ्रेंड्स की आज है 26 तारीख और 1:13 हो रहे हैं, देख सकते हो 26 तारीख और 1:13 हो रहे हैं। जैसा कि आज संडे है और ये रहा मेरा चैनल, तो गाइज अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ गाइज, ठीक है, कि हाउ आई स्पेंड संडे अ होल डे रूटिंग इन 24 आवर्स, ठीक है, मतलब कि 24 घंटा हम इस संडे को कैसे बिताते हैं वो देखेंगे और साथ ही साथ आप लोग इससे सीखोगे सब कुछ, ठीक है। तो चलो सब कुछ आप लोग को पता चलेगा आज। तो गाइज देख सकते हो संडे का रूटीन कैसा रहा, अभी आप लोग बस बने रहो, सब कुछ आप लोगों को पता चलेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ गाइज देख सकते हो, एंड यहाँ पे उसे मैंने आपको टाइम दिखाया था और अभी आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हो गाइज 3 बज चुके हैं, मैंने मतलब उतना देर से ये नहीं कर रहा था और भी यहाँ पे काम कर रहा था गाइज देख सकते हो। पाइथन्स वगैरह पढ़ रहा था यार, पाइथन्स का नोटबुक बनाया हुआ हूँ, देख रहे हो भाई आप लोग भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ यार, इतना काम वाम किया करो, पढ़ाई लिखाई करो, IAS IPS बनो, जो भी दिक्कत है नीचे कमेंट करना, ठीक है। लेकिन रूटीन कैसा बीतता है हर एक स्टूडेंट के लिए, आप लोग का कैसा टाइमिंग बीत रहा है आप लोग मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो ठीक है गाइस, काफ़ी यहाँ पे समय बीत चुका है और जैसे जैसे हम लोग इसे सुबह में उठेंगे तो आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि हम एक स्टूडेंट है, हम लोग अपना एक स्टूडेंट है, हम लोग मतलब स्टूडेंट है, ठीक है, और रात तक तो सो नहीं पाते हैं सही से, तो चलो अब सो ही जाते हैं। देख सकते हैं कंबल है, यहाँ पे तकिया भी फट गया हुआ था गाइस, तो कपड़ा को गमछा में लपेट लपेट के तकिया बना लिए है और सोने जा रहे हैं। फिर कल सुबह में उठते हैं तो आपको डेली रूटीन बताएंगे संडे का, और फिर मंडे को कॉलेज जाएंगे तो वहाँ से मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ, वो रूटीन्स वगैरह है क्या क्या करना है वही सब है। तो आप लोग भी डेली टारगेट एक लिखा करो, ठीक है, डेली टारगेट मैं आपको कल सुबह में दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और नींद वगैरह सब कुछ आ रहा है और पाइथन्स वगैरह पढ़ ही लिए तो अब सो जाते हैं, ठीक है गाइस। नाइट कट ही जाएगा थोड़ा देर तो, गुड नाइट गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 8:30 और काफ़ी जल्दी उठ गया है, धीरे धीरे आगे की कहानी आपको पता चल जाएगी। तो गाइज मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको कल अपना रूटीन बताऊंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज रूटीन है मेरा आज का, ठीक है, 26/3/2023 टारगेट है मेरा आज का। आप लोग अपना टारगेट लिखते हो या नहीं लिखते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना, अगर नहीं लिखते हो तो लिखना चालू कर दो। सबसे पहले बुक रीड करेंगे, फिर पाइथन्स पढ़ेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे अपने नेवर गिव अप यूट्यूब चैनल के लिए, फिर जिम जाएंगे शाम में, फिर स्टडी मतलब जो कॉलेज का मेरा पढ़ाई है वो करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो का प्लानिंग करेंगे और कोडिंग साथ ही साथ करेंगे। अब चलो सुबह तो हो ही चुकी है, अब चलते हैं गाइस। यहाँ पे बोतल्स वगैरह है तो सबसे पहले इसको भर लेते हैं यार, ब्रश वगैरह भी करना है। तो गाइस हम लोग छत पे आ गए हैं फ्रेंड्स, तो गाइस हम लोग छत पे आ गए हैं और अभी बज रहे हैं 9:05 सुबह के, और हम ब्रश करने आ गए हैं, एक नहीं दो ब्रश करते हैं। और मैं आपको बताना भूल गया था कि गाइस हम लोग हैं चंडीगढ़ में, और आपको पता होगा कि गाइस हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए हैं और मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं। आप लोग कौन सा सबमिट करना चाहते हो चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ में मतलब आना चाहते हो, पंजाब आना चाहते हो, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स वगैरह करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग फेसबुक पे फॉलो करके मेरे को मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हो, क्योंकि मैं रह चुका हूँ और आप लोग पहली बार आ रहे हो तो ज़रूर फॉलो कर लेना। और गाइस एक और बात कहने की ये थी कि
देखते हैं, देख ही रहे हैं, हम लोग रेंट पे रहते हैं, ठीक है। मतलब मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कॉलेज में नहीं रहता, उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वहाँ पे नहीं रहता, हम लोग रेंट में रहते हैं। तो रेंट स्टूडेंट कैसे दिनचर्या बिताते हैं संडे को, वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अभी भी देखेंगे, आगे बने रहें। अभी हम लोग चंडीगढ़ में हैं और वहाँ पे मतलब यहाँ से 4 किलोमीटर मेरा कॉलेज है और हम लोग 4 किलोमीटर के रेंज में हैं। और आप लोग लुक देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी आप लोग को मतलब वो होता नहीं है हट वाला घर सब, वो आप लोग को नहीं मिलेगा, पूरा शहर है गाइस, देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप लोग भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, कोई भी कोर्स वगैरह करना चाहते हो, कोई हेल्प वगैरह चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट मी ब्रो, और वीडियो को लाइक करो। धीरे धीरे आप लोग को दिनचर्या दिखाएंगे। और कल से कॉलेज भी है मंडे को, तो मंडे का कॉलेज का क्या रूटीन होता है, मंडे टू फ्राइडे मेरा कॉलेज चलता है, तो सब कुछ मैं आप लोग को दिखा दूंगा। कोई भी दिक्कत होगी जरूर बताइएगा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अभी चाय बनाएंगे, ठीक है। और जानते हो यार, अब स्टूडेंट है, किचन कैसा रहेगा, देखिएगा, छोटा सा गैस है, घर से भर का गैस तो नहीं ला सकते हैं। चलो चाय बनाते हैं, यहाँ पे 10:55 हो रहे हैं और उस समय 9:00 हो रहे हैं। तो उतना देर के बीच में मैंने क्या किया, मैंने पाइथन्स पढ़ा, मैंने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ा। अब मैं जा रहा हूँ खाना बनाने, सो देखते हैं आगे का टाइम कैसे जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा घर पहुँच लेते हैं, इसके बाद जा करके हम लोग को खाना भी बनाना है, थोड़ा सा घर की सफाई जो है। देख सकते हो कि अगर आप लोग रूम रेंट दे करके रह रहे हैं तो सब काम आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा, ठीक है। खाना भी खुद बनाना पड़ेगा, घर की सफाई करनी पड़ेगी, फिर पढ़ना भी पड़ेगा, काफ़ी सारे प्रॉब्लम से आप लोग को लड़ना पड़ेगा, तब जा करके आप लोग को प्लेसमेंट्स मिलेगी। तो बने रहिए, इसके बाद चलेंगे खाना बना करके भी आपको दिखाएंगे। अब देखो, संडे का दिन हो और कपड़ा ना धोना पड़े ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भाई तू हॉस्टल में क्यों रहता। अरे भाई, मैं वो लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग रूम रेंट लेकर के रहते हैं और किस किस प्रॉब्लम से खेलना पड़ता है उनको। अब देख सकते हो भाई, यहाँ पे कपड़ा धोना पड़ेगा, काफ़ी सारे काम होते हैं संडे को भाई, ठीक है। ऐसे ही बने रहो, देखते हैं आगे। भाई खाना खुद से बनाना पड़ता है, वहाँ देख सकते हो आलू हो चुका है और यहाँ प्याज कट रहा है, सब्जी बनेगा आलू का। और अभी टाइम हो रहे हैं हमें फिलहाल 11:45, मिलेंगे फिर अगले टाइम में। तो गाइज खाना चढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सब लोग क्या करते हैं कि जाते हैं नहाने, संडे काफ़ी लेट हो गया है नहाने, बट कोई बात नहीं, देख सकते हो साबुन है और शैम्पू है, जाएंगे भी थोड़ी देर में नहाएंगे तब तक खाना बन गया रहेगा। और फिलहाल अभी बच चुके होंगे 1, तो देख ही रहे हो कैसे कैसे टाइम बीत रहा है। लगभग आप लोग अगर रेंट लेकर के रहोगे तो आप लोग को भी यही प्रॉब्लम होने वाला है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये दिनचर्या है बिल्कुल संडे का, ठीक है। ऐसे ही बने रहो, आते हैं नहा करके। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता चल ही गया होगा कि जब एक स्टूडेंट रूम रेंट लेकर के रहता है तो उसको कितने सारे काम करने पड़ते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी करना पड़ता है। तो अभी आप लोग को पता चल गया होता कि मैं खाना बनाने गया था, नहा भी लिया, सब कुछ गड़बड़ लिया, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ भी लिया, उसके बाद मैं अपना जो काम था मेरे यूट्यूब चैनल का वो भी मैं कर लिया, देख सकते हो। अब थोड़ा देर के बाद जब धूप कमेगा तो हम लोग जाएंगे छत पे और थोड़ा सा घूमेंगे। और अपने हिसाब से आप लोग अपना संडे का टाइम टेबल एक शॉर्ट क्लिप में या फिर एक शॉर्ट नोट में जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। फिलहाल अभी रात होने में काफ़ी समय है, 12 बजे ये संडे मेरा ओवर हो जाएगा और मैं आप लोग को लास्ट में इसका कंक्लूजन दूंगा और मैं आप लोग को कुछ बताऊंगा भी, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर। तो फिर मिलते हैं शाम। तो लिटरली गाइज अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 7:00, 6:50 हो रहे हैं और फ्री टाइम में हम लोग मार रहे हैं ये चूड़ा और बादाम, आप लोग भी खाते होंगे, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कोई मिल के आऊँगा तो आपको बताएंगे। तो गाइज लगभग अभी बज रहे हैं 11, ठीक है, और 1 घंटा में मेरा संडे समाप्त हो जाएगा। आपने देखा कि मैं चूड़ा फेफड़ा खा रहा था,
तो 7 से 11 के बीच में मैंने क्या किया, मैंने किया खाना बनाया, मैं किचन में रात का खाना बनाया, खा भी दिया। और उसी के साथ साथ मेरे को कॉलेज का कुछ मतलब नोट्स वगैरह मिला था, जो प्रैक्टिकल कॉपी है देख सकते हो गाइस, मेरे को अभी ये बनाना था तो मैंने ये भी बना लिया, कंप्लीट कर लिया उस 4 घंटे के बीच में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने यहाँ पे लैपटॉप पे अपने यूट्यूब चैनल के थंबनेल्स के लिए कुछ काम वगैरह कर रहा हूँ। हाउ टू यूज CUMS, अगर आप लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो ठीक है, और CUMS आइडिया को चलाने नहीं आ रहा है, साथ ही साथ उसका एक LMS ID भी होता है, तो वो कैसे चलाया जाएगा आपको वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल देख सकते इतने में बस 1 ही घंटे रह गए, तो आप अगर रेंट लेकर के रहते हो और स्टूडेंट, तो आप लोग अपना दिनचर्या कैसे बिताते हो, कितने घंटे पढ़ते हो रेंट लेकर के, होस्टलर हो तो फिर भी कमेंट कर देना, रूम रेंट लेकर के रह रहे हो, कितने पैसे आपके रूम रेंट में लग रहे हैं, मतलब ऑफिशियली आप लोग सब कुछ समझ ही रहे हो, दुख दर्द सब कुछ समझ रहे हो भाई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सीख कंक्लूजन देते हैं अब कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, चलो कंक्लूजन देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, कंक्लूजन यही है कि आपने देखा मेरा पूरा दिनचर्या, मैं रूम रेंट लेकर के रहता हूँ, आप लोग भी रहते होंगे। तो कंक्लूजन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ, 24 आवर्स आपको भी मिलते हैं, मुझे भी मिलते हैं, बिल गेट्स को भी मिलते हैं, इलन मस्क को भी मिलते हैं, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो, सभी लोग को मिलते हैं 24 आवर्स। तो ये मैंने कुछ कंक्लूजन बनाया है, इसको देखिए एकदम अच्छे से देखिए ठीक है, इसको देखिए अच्छे से। यहाँ पे 24 आवर्स को गाइस फ्रेंड्स मैंने स्प्लिट किया है 8 8 8, मतलब 8 3 24 24 आवर्स हो गए। तो इस 8 स्प्लिट में आप क्या करते हो, इस 8 स्प्लिट में आप क्या करते हो, और इस 8 स्प्लिट में आप क्या करते हो, कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो में 8 × 3 = 24 क्या होता है, इसके बारे में लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों, यही था मेरा संडे का दिनचर्या। टाइटल और थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टूडेंट अपना टाइम संडे को कैसे व्यर्थ करता है, मतलब कैसे स्पेंड करता है। आपका कुछ अलग होगा, मेरा कुछ अलग है, सबका अपना अपना अलग होगा। पढ़ते कब हो, घूमने कब जाते हो, वो क्या करते हो, कौन क्या करता है, सबका अपना अपना अलग अलग टाइम है। तो प्लीज बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो मेरे फेसबुक पे, और साथ ही साथ आप कमेंट कर सकते हो कि आपका संडे का दिन कैसा रहा। फिलहाल आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए धमाकेदार और नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी हेल्प की होंगी अगर आप स्टूडेंट हो तो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।